हेलो गाइस, वेलकम टू माई डी सी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है। और आई नो वीडियो काफ़ी डिले हो गई है, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज़ द लोकल डेफिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया ड्रग विच एक्ट्स अपॉन ट्रॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल इंजेक्शन कॉज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन especially of pain in a restricted area of the body, ठीक है। local anesthesia क्या करता है, sensory movement जो भी हमारी body की होती है उसे reverse करता है, या फिर उसे sensory थोड़े time के लिए down कर देता है कि हमें sense महसूस ना हो, इसलिए फिर हम OT में हम कर सकते हैं ना operation। तो it is very clear that we can understand the definition, okay। now we are going to अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। फर्स्ट इज इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया, ठीक है। इसमें भी दो तरह के आते हैं, इंजेक्टेबल और सरफेस एनेस्थेसिया। तो इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया में पहले लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। लो पोटेंसी में कौन से दिए जाते हैं, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन, ओके। ये दो होते हैं जो लो पोटेंसी में दिए जाते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन। तो इंटरमीडिएट पोटेंसी मतलब मिड पोटेंसी हम उसको कह सकते हैं, ज़्यादा लो भी नहीं और ज़्यादा हाई भी नहीं। तो उसमें हम लिग्नोकेन और प्राइकोकेन दो आते हैं, वो हम दे सकते हैं, लिग्नोकेन एंड प्राइकोकेन, ठीक है। फिर आता है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब पोटेंसी भी हाई है और ड्यूरेशन भी लॉन्ग है। मतलब ड्यूरेशन मीन्स उसकी असर ज़्यादा है, अगर हाई पोटेंसी में देखें तो वैसे भी उसकी असर ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो उसमें आता है टेट्राकेन, यूपीवेकेन, रोपीवेकेन एंड ड्यूबोकेन। तो ये इसके नाम थोड़े अटपटे हैं गाइस, सो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्गली। सो ये चार है, टेट्राकेन, यूपीवेकेन, रोपीवेकेन एंड डीबीकेन, ओके। सो ये हाई पोटेंशियल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आते हैं। ये इंजेक्टेबल है, सारे ही इंजेक्टेबल है। आपको अगर आप OT में जाते हो और थोड़ा बहुत आपको क्लिनिकल नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये लिग्नोकेन तो ज़्यादातर मिलता ही है सारे क्लिनिक और OT में, तो वेरी कॉमन है। और ये दूसरे कुछ है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलो गाइस, इसके अलावा सरफेस एनेस्थेसिया में कौन से है ये आप देख लेते हैं। अभी सरफेस एनेस्थेसिया में सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल दो तरह के आते हैं। सोल्यूबल में कोकेन, लिडोकेन, मतलब ये लिग्नोकेन ही है, इसका ब्रांड नेम कुछ अलग हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेट्राकेन जो भी हमने इधर अभी देखा ही था हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो ये सेम ही ड्रग है टेट्राकेन। देन ये बेंजोकाइनेट है, तो ये एक एड हुआ है। उसके अलावा इनसोल्यूबल में बेंजोकेन, देन ये ब्यूटाबेन एंड ऑक्सेथेजाइन, तो ये थोड़े इनसोल्यूबल में तीन ही है, ठीक है। इसके अलावा हम कॉन्ट्राइंडिकेशन टू स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया में कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो हाइपोटेंशन है, मतलब कौन सी क्लिनिकल कंडीशन हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द एनेस्थेसिया अगर हम किसी को देते हैं तब। सो हाइपोटेंशन एंड हाइपोवोलेमिया देखने को मिल सकता है। इनकोपरेटिव और मेंटल इल पेशेंट, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमें ध्यान रखना है। इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, ये इनको भी देने में ध्यान रखना है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ लेवल इज़ डिफ़िकल्ट। हमें कौन से डोज में उनको देना चाहिए ये हमें इन्फेंट में और चिल्ड्रन में ये ध्यान रखना है, ठीक है। एनेस्थेसिया देने में अगर वो कोमा के कंडीशन में चला जाए तो फिर उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है गाइस। और वैसे भी एनेस्थेटिक डोज, एनेस्थेटिक जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वही देते हैं, तो ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये जस्ट फॉर द नॉलेज। सो ब्लीडिंग डायथिसिस, देन रेज्ड इंट्राक्रेमिनियल प्रेशर, ठीक है, वर्टिब्रल एबनॉर्मलिटी और सेप्सिस कंडीशन। अगर इसमें से भी कोई कंडीशन अगर पेशेंट में हमें देखने को मिलती है एज ए MO, अगर हम देखते हैं कि कोई भी इसमें से कोई कंडीशन है, तो हम जो भी डॉक्टर एनेस्थेसिया देने वाले हैं उनको जाके ये सब बता सकते हैं कि ये है, तो वो अपने आप डोज एग्जस्ट करके आपको वो पेशेंट को दे देगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉट ब्रीफ बट द स्मॉल इंट्रो ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। एंड द अदर वीडियो ऑल्सो कम आउट अबाउट जनरल एनेस्थेसिया, आई एम वर्किंग ऑन इट। सो स्टे ट्यून्ड टू द मेड इजी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यू लाइक द कॉन्टेंट।
प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। और अगर आपको कोई भी मेडिकल नोट्स चाहिए, ठीक है, कोई भी मेडिकल नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी चैनल, आपको जो भी बुक्स चाहिए होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ MBBS BHMS BAMS किसी भी कोई भी मेडिकल से रिलेटेड नोट या कोई भी थीसिस या PDF आप PPT कुछ भी चाहिए तो आप सिंपली जाके उधर आप कमेंट कीजिए, आप कुछ भी टाइप कीजिए। देखिए मेरे पास जो भी जितना भी मटेरियल होगा, मेरी खुद की नोट्स, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं देना। मेरे 4 साल की जो भी मेहनत है वो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उधर जाके आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ओके, बाय।